तो बराबर दोपहर 12 बजे हम लोग पहुंचे हैं अभी बानसवाड़ी। बेंगलोर के अंदर इस ट्रेन का दूसरा हॉल। एक मिनट के हॉल के बाद निकले हम बानसवाड़ी से। यार ये यलंका वाली लाइन, यलंका यशवंतपुर वाली, और हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं लोटेगोला हल्ली पर। लोटेगोला हल्ली। मीनवाइल मैंने खाना लिया, इधर ओनली वेज मिलता है, 150 रुपये की थाली है। मैंने एक्स्ट्रा रोटी ली है इसलिए 150 रुपये लगा मेरे को। फाइनली हम लोग आ गए अभी यशवंतपुर बाईपास वाली लाइन पर, और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं यशवंतपुर बाईपास ले रहा हूँ। ये लाइन जा रही है यशवंतपुर की तरफ, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यशवंतपुर बाईपास लेके तुमकुर वाली लाइन की तरफ। यशवंतपुर का यार्ड है वहाँ पर। क्या खंडर है भाई ये। Thank you.
बंटवारा। तो ये मिला है मुझे खाने में आज, दाल, आलू सब्जी, चावल, रोटी मैं एक्स्ट्रा लिया हूँ, ये रोटी है उसके यहाँ पर भी है, और ये बोले कि पनीर और आलू मटर की सब्जी। मटर कहाँ, एक दो दिख रहा है, पनीर एक दो दिख रहा है बस। हाईवे चल रहा है यहाँ पर साथ साथ, बेंगलोर मुंबई हाईवे। हीरे हल्दी इधर बारिश चालू हो गई है तुमकुरु में। तो दोपहर के 1:19 पे हम लोग अभी पहुंचे तुमकुरु। वैसे इधर तुमकुरु अरसे करे ये वाला जो रीजन है, यहाँ इडली बहुत अच्छी मिलती है, थट्टे इडली। स्टेशन में भी शायद मिल जाएगी आपको।
ये रही हासन वाली लाइन जो आती है अरसी करे पर, काम चल रहा है उस लाइन पे अभी। अरसी करे जंक्शन मस्त नींद आ रही है मेरे को एकदम। यहाँ भी पहुंचे भैया, चाय देना एक। मसाला चाय चाय चाय। थैंक यू। चाय जैसे। 3 मिनट बिफोर टाइम हम लोग अभी पहुंचे अरसी करे पे। इससे पहले टिपतूर भी गया, मतलब रुकी नहीं गाड़ी, स्किप मारी। वो तो स्किप नहीं लिया क्योंकि आराम कर रहा हूँ मैं अभी। ये रूट में ऑलरेडी अभी रिसेंटली कवर किया था तो इसलिए उतना डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ मैं। एक नहीं दो बार कवर किया इसको मैं। मे बी कल सुबह पुणे तक ऐसे ही आराम से कवर करूंगा। फिलहाल उतना कुछ मतलब बनता नहीं, लेकिन पुणे के बाद जो खंडाला घाट से आने वाले बोर घाट्स, अरे अलग लेवल पे। अभी मतलब भाई बारिश हुई है, मस्त एकदम ग्रीनरी है, पानी है, झरने सब कुछ है वहाँ। तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कल सुबह सुबह बोर घाट्स। लेकिन हाँ उस टाइम पे एल्कोज नहीं रहेंगे, P7 लग जाएगा, P7 या P5 जो भी मिलता है इसको। चाय अच्छी है, अंदर की चाय से तो बेटर है। और मज़े की बात, यहाँ थट्टे इडली मिल रही है स्टेशन पे 20 रुपीज़ में 2 पीस, मतलब बहुत सही मिल रही है यार वो। अभी निकलती है गाड़ी यहाँ से अरसी करे जंक्शन से। ऐसा धूप ऐसा लग रहा है ना मेरे को, आग भी नहीं खोल पा रहा ठीक से। ये है कर्नाटका की फेमस थट्टे इडली, मेरे को बहुत पसंद आती है। देखो इसका साइज़ देखो, इतना बड़ा साइज़ है और 20 रुपये के 2 पीस दिया है, बहुत है। डिपार्टिंग फ्रॉम अरसी करे जंक्शन। मौसम एक नंबर बना हुआ है यार, कुछ भी बोलो। देवनूर
का मंगलुरु, वहां से आने वाली वो लाइन। ये है कडूर जंक्शन, यहाँ चिक्कमंगलुरु से लाइन आती है। चिक्कमंगलुरु जाने के लिए रेलवे, अब यहाँ उतर सकते हो। वैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है एकदम। अरे रखो, रेड सिग्नल है, हो गया ग्रीन लास्ट मोमेंट पे। एक लाइन निकलती है शिवमोगा के लिए, और उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, वो भी इंस्टाग्राम में बनाया था मैंने, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यशवंतपुर शिवमोगा इंटरसिटी एक्सप्रेस शिवमोगा के आगे तालगुप्पा तक जाता है।
ये लेफ्ट वाली लाइन गई शिवमोगा की तरफ, शिवमोगा तालगप्पा, आगे वहां से आप जोग फॉल्स जा सकते हैं। स्टार्ट हो गई बाहर, जरूर जंक्शन बल्लारी के लिए लाइन जाती यहां से जो भाई उधर देयर गोज द लाइन टू अस बल्लारी। एक छोटे अनशेड्यूल्ड हॉल के बाद निकले हम लोग थोला होन्सी से। जनशताब्दी क्रॉस की इधर किसी WDP 40 के साथ,
शाम के 4:45 को हम लोग अभी पहुंचे हैं दावंगेरे। अराउंड 4:55 को हम लोग निकले अभी दावणगेरे से। यहाँ पर इडली डोसा, फल फ्रूट जैसे कि केले, अमरूद ये सब मिल रहे थे। दावणगेरे वैसे फेमस है कर्नाटका में दावणगेरे बेन्ने डोसा के नाम से। यहाँ के बेन्ने डोसा बहुत फेमस है। बेन्ने कुछ नहीं, कन्नड़ा में घी को बेन्ने बोलते हैं, तो एक्चुअली में घी डोसा ही वो है। बैंगलोर में या फिर कहीं पर कर्नाटका में कहीं पर भी आप जाओगे कोई ना कोई शॉप मिल जाएगी जहाँ लिखा होगा दावणगेरे बेन्ने डोसा। कुछ नहीं है, वो घी का डोसा है लेकिन अलग प्रकार का थोड़ा सा। हरिहर
का भरता नहीं। बेनोर उबली अरसी करे पैसेंजर हावेरी स्किप कर रहे हैं हम लोग इसको।
अनशेड्यूल्ड हॉल। अभी बज रहे हैं 6:15 और गाड़ी कम से कम 10 मिनट से रुकी हुई यहाँ पर करजगी में। रीज़न कुछ नहीं है, आगे कुछ सब कुछ क्लियर है। रीज़न ये है गाड़ी हमारी है लेट, बिफोर टाइम। और इसका यहाँ से हुगली पहुँचने का टाइम है रात के 8 बजे का, लेकिन इतनी ज़्यादा बिफोर चल रही है कि कम से कम 7 बजे ही पहुँचा देती है, तो इसीलिए इसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं रुक रुक के। स्लैक बहुत है गाड़ी में, तो यही है बस रुके हुए ऐसे कारण। करजगी के अनशेड्यूल्ड हॉल के बाद निकले हम फाइनली। हिल वीगी है, हम लोग को स्किप करना पड़ेगा और यहाँ एक ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग चित्रदुर्गा एस हुबली पैसेंजर को, लेकिन मेन लाइन भरी हुई है, वाली लाइन भी भरी हुई है, इसलिए हम लोग को रिवर्स वाली लूप लाइन पे डाल के स्किप करवा रहे हैं हिल वीगी। पहले स्टेशन का अलग सा अलाइनमेंट हुआ करता था, अभी अलग है। पहले इसका स्टेशन हुआ करता था वहाँ पर, दिख रहा है आपको, वहाँ पर था इसका स्टेशन। मैं लास्ट टाइम गया था मेरी जोधपुर बेंगलोर एक्सप्रेस में, उसमें गया था तब दिखा था वो अलाइनमेंट। उसके बाद जब यशवंतपुर बाड़मेर में गया था तब ये नए अलाइनमेंट में गई थी गाड़ी हम लोग की। सिंगल लाइन फिलहाल तो है सेक्शन लग रहा है, नहीं नहीं कुछ कुछ जगह सिंगल है, कुछ कुछ जगह डबल है, अभी डबल है। पुराना स्टेशन यालवेगी का, हुबली के आउटर पे हम लोग को रोका गया है पेंटिंग के लिए। और पीछे लाइट दिख रही है, वो है कर्नाटक संपर्क क्रांति, जस्ट हमारे पीछे पीछे आ रही है एकदम चिपक चिपक के, यशवंतपुर से पूरा। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं हम लोग को, वहाँ एक रेलफैन मिलने आया है हुबली में, बता रहा है एक भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं था। अभी हरिप्रिया आ गई है तो हम लोग को अब जाके स्टार्टर दिया है।
वैसे इधर से जो लाइन जा रही है वो जा रही है गदक की तरफ, अभी हरिप्रिया एक्सप्रेस गई जस्ट वहाँ से, उस लाइन से तिरुपति कोल्हापुर हरिप्रिया, कोल्हापुर तिरुपति हरिप्रिया गई। वैसे हुबली ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, और ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको प्लेटफॉर्म नंबर 8, ये है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। सबसे पहले खड़गपुर था इंडिया में, खड़गपुर के बाद गोरखपुर हुआ था, अब हुबली है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। 8:17 पे हम लोग इंटर कर रहे हैं 17 मिनट के डिले के साथ, आउटर पे ही खड़े थे बहुत देर से हम लोग, बिफोर टाइम आके लेट हो गए। कोई नहीं, आराम से कवर कर लेगी, इस ट्रैक बहुत भर भर के दिया गया है इस गाड़ी को। यहाँ पर कोई तो ट्रेन है खड़ी, विजयवाड़ा एक्सप्रेस है शायद, हुबली काचीगुड़ा वास्को डी गामा, अच्छा हुबली काचीगुड़ा हुबली वास्को डी गामा, ओके वो स्लिप पोर्शन है। ये जो प्लेटफॉर्म 7-8 है इसको एक्सटेंड किया गया प्लेटफॉर्म 1 से ही, प्लेटफॉर्म 1 को ही आगे बढ़ाया गया और प्लेटफॉर्म 7-8 बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि साइड में बनाने की जगह नहीं थी हुबली में, इसलिए इन लोग ने लंबा वाला तरीका अपनाया, यहाँ जगह थी बहुत, बहुत सारे स्टेशन में ऐसे देखने को मिलेगा। हुबली चेन्नई एमटी रेक, तो करीब 20 मिनट लेट हम लोग पहुँचे अभी हुबली पे, हुबली जंक्शन। आउटर पे कुछ ज़्यादा ही देर हम लोग की खड़ी रही, आउटर पे हम लोग बिफोर पहुँचे थे पहली बार, वहाँ पर खड़े खड़े ही हम लोग का डिले हो गया 20 मिनट लगभग, क्योंकि वहाँ से फिर अंदर आते आते ही और भी टाइम लग ही जाता है, 5 मिनट लग ही जाता है। यहाँ वैसे मेरे को रेल फैंस मिलने आए थे, तो मिले, बातचीत हुई हमारी, और अभी गए हैं वो क्योंकि उनको भी टाइम लगेगा अभी उनके घर जाने में, तो इसलिए जल्दी निकल गए। वैसे अंदर लाने में डिले इसलिए हुआ क्योंकि हमारी गाड़ी का जो क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म खाली नहीं था, सारे प्लेटफॉर्म खाली नहीं थे वो। चलो कोई नहीं, निकलेगी अभी गाड़ी, कवर तो कर लेगी आराम से। तो हम अपने समय से करीब 27 मिनट के डिले के साथ हम लोग अभी निकल रहे हैं हुबली से, हुबली जंक्शन। स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से लाइन जाती है गड़क के लिए, हमारे जिस लाइन से हम लोग आए वहाँ से, और एक और लाइन जाती है जिस पर हम लोग अभी जा रहे हैं बेलगवी उसकी तरफ, और SWR का हेडक्वार्टर्स है हुबली। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, ये है स्टेशन का पूरा नाम। हुबली में खाने में ये मंगाया मैं, डोमिनोज। धारवाड़
सो रात के ठीक 9 बजे हम लोग अभी पहुंचे हैं धारवाड़। धारवाड़ और हुबली एक ट्विन सिटी के जैसे आप बोल सकते हो, दोनों को है थोड़ा सा डिस्टेंस पे मेन मेन सिटीज, लेकिन दोनों इतनी जुड़ी हुई है ना, पूरी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है दोनों के बीच में कि आप सब इसको ट्विन सिटीज ही बोलते हैं। और आपने देखा पेड़ा वाला दुकान, धारवाड़ पेड़ा बहुत फेमस है, जो मथुरा पेड़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम लगता है लेकिन टेक्स्चर में थोड़ा डिफरेंट रहता है। कभी आए तो ट्राई कर लेना, यहाँ पर अच्छा रहता है ऐसे, वो धारवाड़ पेड़ा मेरा फेवरेट है। अभी तो ले नहीं रहा हूँ क्योंकि वापसी में जब भी आऊँगा बाद में ले लूँगा, निकलने को तैयार है। यहाँ पर थोड़ी सी लेट है गाड़ी, आधा घंटा लगभग, ग्रीन सिग्नल हो गया, चलते अब 9:02 पर, बस 2 मिनट के हॉल के बाद हम लोग निकल रहे अभी धारवाड़ से। इसके बाद इस गाड़ी का स्टॉप है बेलगवी, मीरज, सांगली, सातारा और फिर बाद में सातारा के बाद पुणे। रात हो गई, अब मैं जाता हूँ सोने को, मिलते हैं अब, देखता हूँ बेलगवी में अगर जमेगा वहाँ पर भी दिखा दूँगा आपको स्टेशन का प्रेमाइसिस अराइवल डिपार्चर। अभी के लिए निकले हम धारवाड़ से। अभी भीड़ है वैसे यहाँ पर भी धारवाड़ में।